हेलो एवरीवन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट क्या है हमारे पास, इफ द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स है जिनके रेशियोज कितने के बने, 3:4:5। तो एक को हम 3x मान लेते हैं, दूसरे को 4x मान लेते हैं, तीसरे को 5x। उनके जो एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 1250, दैट इज 3x का स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर 4x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, ये हमारा 1250। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। ये आ जाएगा आपका 50x स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। 0 0 कैंसिल, तो x स्क्वायर कितना होगा 25, तो x हो जाएगा प्लस माइनस 5, बस हमने क्या लिखा 5। क्या बोला है फिर, देन द सम ऑफ द नंबर्स इज 60। तो इनके सम मांगे 3 4 7 5 12, दैट इज 3x प्लस 4x प्लस 5x, ये होगा 12x और x है हमारा 5, 12 × 5 = 60, ये हमारा आया ट्रू। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब दूसरे स्टेटमेंट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक। अब इस स्टेटमेंट के सॉल्यूशन को हम मिटा देते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज्ड वैल्यू बटे ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं, नया वाला वैल्यू नहीं, ओरिजिनल लेते हैं। जैसे अब कॉस्ट प्राइस में क्या करते हैं, ये लॉस परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं। ओरिजिनल तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है ना, जो बेस होता है। न्यू वैल्यू को नहीं लेते हैं, उसको लेते हैं जो हमारा शुरू में होता है। तो ये फॉल्स है, यहाँ पर क्या होगा ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। थर्ड नंबर देखते हैं, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज पी, तो पी रुपया में, दैट इज सेल प्राइस कितना रुपया है, पी रुपया है, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ क्यू परसेंट। मान लेते हैं जो मार्क्ड प्राइस है वो एक्स है, तो डिस्काउंट हमारा कितना परसेंट है, क्यू परसेंट। तो जो सेल प्राइस होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस क्यू परसेंट ऑफ एक्स, जो कि मार्क्ड प्राइस है उसी में ना वो डिस्काउंट मिलेगा। एक्स तो ओरिजिनल है, डिस्काउंट कितना मिला, क्यू परसेंट, किसका, एक्स का। दैट इज़ ये हो जाएगा एक्स माइनस क्यू एक्स बटे 100, दैट इज एक्स कॉमन 1 − q/100। ये हो जाएगा एक्स 100, नीचे आ जाएगा 100 − q इज इक्वल टू, ये सेल प्राइस है जो किसके बराबर है, पी के बराबर है। दैट इज़ यहाँ पे एक्स हो जाएगा हमारा 100 × p / 100 − q। फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, 100 p / 100 − q, बिल्कुल ट्रू है ये। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड ट्रू हो गया। अब आते हैं फोर्थ में, समझ आ गया, चलिए नहीं अगर उतार पाए तो आप पॉज करके उतार सकते हैं। फोर्थ, 44% ऑफ नंबर एक्स मान लेते हैं, ये हमारा 275 है, दैट इज 44/100 × x इज इक्वल टू 275, ठीक है। ये किससे कैंसिल होगा, 11 × 4 = 44, 11 × 2 = 20, 11 × 5 = 55, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 25, ये हमारा 4 × 25 = 100, x इज 25 × 25, ये आ गया हमारा 625। अब बोल रहा है देन इट्स, क्या बोल रहा है, देन 64% ऑफ द सेम वैल्यू। अब 64% ऑफ सेम वैल्यू x मांगा है, 64/100 × x, 625 25 × 100 = 50, ठीक है, 4 × 4 = 16 × 25, 16 × 5 = 8 × 32 = 400, 400 आ रहा है, कितना रहा, 4, बिल्कुल सही है। एकदम सॉल्यूशन करके हमने देखा ये ट्रू है, दैट इज़ पहले क्या आया, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। ओके, थैंक यू वेरी मच।